और वहाँ पे कुछ मैसेज आया होता है तुम्हारा, भाई सोचता है चलो यार चैट कर लिया जाए, देखते हैं किसने मैसेज करा है। और मेरे को इतना ये दिखता है, अरे कोबरा अली। खैर ये भाई कह रहे होते हैं कि बाहर आओ नहीं तो अनफ्रेंड कर दिया जाएगा, जल्दी बाहर आओ। अब मैं सारा सीन समझ चुका होता हूँ कि ये बंदे मेरे को, मतलब ये भाई हमारे जो हमें मेरे को बाहर क्यों बुला रहे हैं। तो और मेरे भाई लोग कैसे हो यार, आप लोग तो आ चुके हैं वापस से एक और रूम वाली वीडियो में, क्योंकि तुम्हारा भाई रैंडम किसी के रूम में ज्वाइन हो जाता है और इस वाली रूम के अंदर कति तबाही वाले खतरनाक, मतलब क्लच तो है नहीं, खैर सोलो का मैच है। फिलहाल तुम्हारा भाई यहाँ पे मोड बाजी दिखाने लगता है क्योंकि सबके साथ मोड दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं पीछे क्यों रहूँ। फिलहाल इन बंदों की साथ के साथ ऑल पे बकवास स्टार्ट हो जाती है, तो सुनो जरा उन्हें भी सुनो, देखते क्या कहते हैं सबके साथ। मेरे साथ आ जा रहो सेट वाले। अरे बोर्ड वाले, अरे बोर्ड वाले भाई, बैन है जो नार्थन भाई। हेलो ऑल, कोई टीम अप करेगा हमसे जनार्दन सेट वाला? अच्छा टीम अप करेगा कोई? भाई मेरा नाम गॉड अंकित है, अच्छा गॉड अंकित है। खैर मेरे को लगा कि ये बंदे सबके सब लास्ट में उतरेंगे, तो तुम्हारा भाई सोचता है चलो यार थर्डल जाके मतलब लूट लाट कर लेंगे, तुम्हारा भाई थोड़ी कैंपिंग भी कर लेगा साथ के साथ, क्योंकि यार रूम का मैच है और जल्दी बनना मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक आध बंदे को निपटाएंगे तो हाँ कम से कम रूम के ऑनर को पता तो लगेगा कि हाँ रॉयल नाम के बंदे ने किसी बंदे को मारा ही है। खैर मैं सामने वाले बंदे को देखता हूँ कि यार ये मेरी बिल्डिंग में आके उतरा है, मतलब क्या भाई क्या क्या क्या। तो तुम्हारा भाई मुक्का लात चलाता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बंदा ऊपर जा चुका है। खैर मेरे को पीछे से पड़ती है और जिस हिसाब से फुट स्टेप आ रहे हैं और जिस हिसाब से फ़ोन लैग हो रहा है मैं समझ गया यार पूरी की पूरी जितनी दुकान है ना सबके सब ठड़े ला गई हैं। तो तुम्हारा भाई पीछे भागता है, फटाफट गन ढूंढता है और गन के नाम पर मेरे को मतलब मुक्का चलाना पड़ेगा। अगर कोई बंदा रस कर दे ना तो तुम्हारे भाई की जान निकल जाएगी, क्योंकि यार रूम का मैच है और इसके अंदर एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट क्या है कि कोबरा अली जो नाम का जो बंदा है ना, वो जो यूट्यूबर, हाँ वही 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 वो बंदा भी आया होता है, जो कि वो यूट्यूबर होने के नाते उसे बाहरी मतलब बाहरी कर दिया जाता है। खैर ये मैं मजाक कर रहा हूँ, फनी वे में लेके जाना क्योंकि इसका प्रूफ मैं तुम्हें बाद में दूंगा। खैर मेरे को मिल जाती है शॉट गन और सामने साथ आ रहे होते हैं फुट स्टैप और मेरे को पड़ती भी है, खैर कोई बात नहीं। तो तुम्हारा भाई कूद जाता है और एक गोली का था बंदा तुम्हारा भाई से निपटा देता है, तो अच्छी बात है ना शॉर्ट गन मिल चुकी है। अब यार S12 के जब मिल गई है तो क्या लगता है चिकन कौन लेके जाएगा? खैर चिकन तुम्हारा भाई ही लेके जाएगा, तो देखते जाओ। और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। हाँ बिना लाइक किए भी देख सकते हो, तो बाद में लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। खैर मैं बताता हूँ अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि यार इसमें जो फनी वे होने वाला है ना वो देखते जाओ। खैर तुम्हारा भाई नीचे उतरता है कि बंदे देखो कहाँ हैं, लेकिन मैं वापस अंदर भाग जाता हूँ क्योंकि यार जान जान बची तो लाखों पाए, बाकी आगे मेरे को भी नहीं आता। खैर मैं यहाँ पे हील कर ही रहा होता हूँ कि मेरे को बंदे के फुट स्टेप आए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे यार कम से कम 20 से 30 बंदे आए होते हैं, वैसे ही थोड़ा ज़्यादा हो गया। खैर मेरे को सच्ची बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए होते हैं, मेरे को फुट स्टेप भर भर के आ रहे होते हैं। खैर मेरे को पड़ती है साइड से और इतने मेरे को दिखता है इनबॉक्स और यहाँ पे कुछ मैसेज आया होता है तुम्हारा भाई सोचता चलो यार चैट कर लिया जाए, देखते किसने मैसेज करा है। और मेरे को इतने ये दिखता है, अरे कोबरा अली। खैर ये भाई कह रहे होते हैं कि बाहर आओ नहीं तो अनफ्रेंड कर दिया जाएगा, जल्दी बाहर आओ। अब मैं सारा सीन समझ चुका होता हूँ कि ये बंदे मेरे को, मतलब ये भाई हमारे जो हमें मेरे को बाहर क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि बात ऐसी होती कि ये कोबरा अली भी इस रूम के अंदर आए होते हैं और फेमस होने की वजह से जो इसका ऑनर होता है ना वो उन्हें बाहर निकाल देता है, तो तुम्हारा भाई रूम के अंदर चला जाता है और इसलिए मेरे को बाहर आने के लिए कह रहे हैं, जो कि बहुत दिक्कत की बात है क्योंकि भाई ने अनफ्रेंड कर दिया। खैर कोई नहीं, और इतने मेरे को बंदा दिखता भी है और इस बंदे को तुम्हारा भाई निपटा देता है जैसे तैसे करके। खैर H12 के है तो डरने ही क्या बात। हाँ हम थे कोबरा भाई के ऊपर, तो अगर भाई देख रहे होंगे तो प्लीज़ यार वापस से फ्रेंड लिस्ट में ले लो, वैसे मजाक कर रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई S12 के लेके इतना खुश हो जाता है ना क्योंकि तुम्हारा भाई बिल्कुल S12 के चलाने वाला है, इस पूरी लॉबी की ऐस तैसी करने वाला है। जो ऑनर है ना वो उसके कान में मिर्ची लग रही होगी, कान में भाई कान में, ठीक है, तो वो बिल्कुल चिल्ला रहा होगा और इतने बंदा दिख रहा है।
तो गाइस अगर मैं लास्ट की दो गोली नहीं बचाता, मतलब दो एमओ नहीं बचाता ना शॉटगन की, तब तक मेरी पेटी निपट चुकी होती है और मैं ये गेम प्ले से हाथ धो बैठता। खैर जैसे तैसे करके तुम्हारा भाई इस घर में आता है क्योंकि यहाँ पे होते हैं बंदे। देखिए बंदा बिल्कुल कैंपर है, बिल्कुल यार ऐसे छुप के बैठा हुआ है ना कि क्या ही बोला जाए। खैर मैं देखता हूँ कि बंदा पास रूफ पे हो, तो रूफ पे बिल्कुल भी नहीं बंदा होता, तो मैं समझ चुका था बंदा कहाँ है क्योंकि यार बिल्कुल 9 फुट स्टेप, तो कहाँ होगा वो बीच वाली, मतलब बीच वाली मंजिल पर होगा। तुम्हारा भाई सोचता है चलो चलते हैं फटाफट इस बंदे को निपटाते क्योंकि मेरे पास है S12K। डरने की कहाँ बात, क्योंकि इस मैच में सिर्फ मैं ही चला रहा हूँ S12K। खैर जब जैसी बंदे को पता चलता है कि भाई S12K चला रहा है तो इतने ये बंदा घबराने लगता है तो जैसे तैसे करके तुम्हारा भाई इसे निपटा देता है, तो अच्छी बात है। फिलहाल मैं जैसे ही आ रहा होता हूँ इतने बंदा दिखता है, मतलब यार मैं क्या कह रहा हूँ, जैसी मेरा एम जैसा सा अभी हटा और इस बंदे ने इतना डैमेज दे दिया मेरे को कि क्या ही बोला जाए। खैर डरने की क्या बात, S12K जब हो हमारे साथ तो मैं बिल्कुल निडर होके बिल्कुल अंधा घुस जाता हूँ क्योंकि यार S12K ये हलवा थोड़ी ना है, मजाक थोड़ी ना चल रहा है यहाँ पे। खैर मैं समझ चुका था बंदा इस वाली बिल्डिंग में, जिस वाली बिल्डिंग में तुम्हारा भाई ने कोबरा अली भाई का मैसेज रीड करा था। खैर मैं समझ चुका था बंदा ऊपर है, तो चलो यार ऊपर चलते हैं फटाफट। फिलहाल मैं थोड़ी हेल्थ वेल्थ लगाता हूँ कि कम हो जाती है यार, और इतना बंदा दिखता है बस भाई को कोने में ही ले जाके घुसा घुसा के मारते हैं। मारना नहीं ये तो क्या ही बोला जाए। खैर छोड़ दो, फिलहाल तुम्हारा भाई स्टेडियम आ जाता है कैंपिंग करते करते और इतने ये बंदा बाहर निकलता है, मतलब मैं नीचे हूँ ये नेड ऊपर किसे कर रहा है। खैर मेरे को भी नहीं पता होता क्योंकि ऊपर छत पे एक बंदा होता है जो कि मेरे को बाद में पता चल जाता है। तुम्हारा भाई भी अंधा घुस जाता है उस बंदे के ऊपर। फिलहाल मैं जैसे आता हूँ छत पे और मेरे को बंदा के साउंड सेंस आ जाते हैं, मतलब फुट स्टैप, और इतना बंदा दिखता भी है। खैर देखो इस बंदे के पास होती है RPG, वो तो तुम्हारा भाई शुक्र है कि आधे रास्ते में था, अगर थोड़ा और ऊपर होता ना अब तक मेरी पेटी बन चुकी होती। खैर अच्छी बात है यार बच गए RPG से। खैर तुम्हारा भाई हील लगाता है फटाफट क्योंकि इस बंदे को तुम्हारे भाई ने गुस्सा दिला दिया है, तो खैर मैं मारूंगा नहीं इस बंदे को क्योंकि देखते जाना, क्योंकि तुम्हारा भाई दयावान है तो दया करके छोड़ देता है। फिलहाल मैं नेट करता हूँ और इस बंदा ऊपर ही होता है, और इतने जैसी नेट करता हूँ भाई बंदा पीछे भाग जाता है क्योंकि मेरा नेट भी थोड़ा डिले हो जाता है। खैर कोई नहीं इस बंदे को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं हराम खोर। खैर मैं जैसे नीचे कूदता हूँ वैसी अभी कुछ नहीं हुआ, मैं वैसे सस्पेंस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। खैर मजाक कर रहा हूँ। खैर मैं अंदर की साइड आता हूँ क्योंकि यार बहुत सारे फोटो स्टैप आ रहे होते हैं, मेरे को कुछ कोई आइडिया नहीं होता कि बंदे कहाँ हैं क्योंकि यार ये रूम का मैच है, बंदे कहाँ कैंप करने लग जाए मेरे को कद्दू भी नहीं पता। वैसे सोलो का मैच है यार, सोलो के अंदर इतना खतरनाक कैंपिंग होती है ना क्या ही बोला जाए। और इतनी गाड़ी, ये मेरी ही गाड़ी है जो कि मैं अंदर लाके ऐसे ठोकी है ना मैंने, क्या ही बोला जाए, बंदों के अंदर खौफ पैदा कर दिया, खौफ एक नाम का खौफ, क्योंकि गाड़ी की स्किन देख लो और हाँ ये मैंने ही लाई है, ठीक है। फिलहाल मैं बंदा सोच रहा होता कि बंदा आखिर है कहाँ यार, फोटो स्टैप तो दे रहा है लेकिन आ नहीं रहा। खैर मैं इधर की साइड आता हूँ और यहाँ पर मैंने एक बंदे की पेटी बनाई थी इस मैच में, नहीं अगले पिछले मैच में नेट से ही पेटी बनाई थी, इसलिए मैं डर रहा था कि यार कोई बंदा यहाँ कैंपिंग करके तो ना बैठा हो कि मेरे ऊपर भी नेट कर दे, इसीलिए मैं इधर की साइड आता हूँ देखने और मेरे को कोई दिखता ही नहीं है। खैर तुम्हारा भाई यहाँ पे बहुत देर तक ऐसी छानबीन करने लगता है CID की तरह, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता मेरे को, जैसे मैं कोई मिशन, मतलब कोई मिशन पे हूँ। खैर यार ये खतरनाक वाला रूम होता है क्योंकि बंदे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, मतलब क्या ही बोला जाए यार, ऐसे हैक लगा के आए हुए ना, इनविजिबल हैक भाई, एक बंदा नहीं दिखा मेरे को। खैर आधा घंटा हो चुका है मेरे को और दो बंदे निपट भी चुके हैं, आपस में लड़ चुके हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कहाँ निपटे। खैर कोई नहीं, तुम्हारा भाई बैठे बैठे साल बिता देगा यहीं पे ही, मेरे को एक किल्ली मिल के देगा। खैर इतने मेरे को फायर की आवाज़ आती है, तुम्हारा भाई समझ चुका है बंदे सामने हैं, और इतने होता है आगे स्मोक कि इतने फाइट होने लगती है, अभी नहीं हो रही शायद इतने सामने होता है स्मोक, तुम्हारा भाई समझ चुका बंदा आने वाला है, फटाफट ग्रेनेड करो और RPG चलती है। मैं समझ चुका हूँ ये बंदा वही है जिसने मेरे को पहले RPG से निपटाने की कोशिश करी थी, तुम्हारा भाई पहले ही ग्रेनेड कर देता है, तेरी SS किसी नेट से तो मरेगा ही मरेगा। खैर और इतने मेरे को चिकन लिखा हुआ जाता है, ये देखो मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा है और चिकन मिल गया, मैं बैठे बैठे मज़े कर रहा हूँ। खैर कोई नहीं, यही थी आज की वीडियो, और बता देना यार ऐसी खतरनाक रूम के साथ तो अगले रूम में तुम्हारा भाई S12 के यूज़ नहीं करेगा क्योंकि अब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया बंदों की ऐसी पेट बना दी। खैर यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं।